हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। वीडियो का टाइटल है कैसे एक इंडियन मुस्लिम फौजी ने 1971 में पाकिस्तान की बैंड बजाई। अच्छा। ये वीडियो का टाइटल है, आप ये वीडियो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। काफी सीरियस टाइप का टॉपिक है ये। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कौन ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शब्बीर अली खान है। मैंने 71 की लड़ाई लड़ी है और मैं जून 67 में भर्ती हुआ और 73 सितंबर में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। मतलब डिस्चार्ज लिया है मैंने क्योंकि कुछ मजबूरियाँ थी उसकी वजह से, और एक साल में POWs रहा हूँ पाकिस्तान में। 71 की लड़ाई में पाकिस्तान में जंगी कैदी रहा हूँ। अच्छा। वॉर प्रिजनर रहे हैं, आपसे मैं एक बार बात करूँ। POW रहा हूँ मैं। तो लड़ाई जो लड़ी तो क्या था कि हमने अटैक किया पाकिस्तान पे। हमारी कंपनी के जो बुजुर्ग बैठे थे, ये भी हमारी कंपनी के उस वक्त हमारे सरदार थे। हाँ, और ये जो अभी बोल के का, ये भी हमारी उस यूनिट के ही हैं। 14 ग्रेनेडियर थी हमारी पलटन। तो हमने अटैक किया, अटैक में जैसे वो बता रहे हैं वीर चक्र अयूब खान, इसी तरह से हमारी यूनिट के भी मेजर दंदूरी के थे MS खान, उनको भी वीर चक्र मिला। उन्होंने भी बहादुरी से उनकी सप्लाई वगैरह जलाई और कुछ भी किया। हम लोग रात को लड़ते रहे और पीछे से हम लोगों ने सप्लाई मांगी कि हमारे पास अम्निशन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप हमें पीछे से कुछ मदद दो। तो उन्होंने कहा कि आप लास्ट लाइट तक डटे रहो और उसके बाद हम देंगे। लास्ट लाइट का मतलब दिन वो पूरे दिन वहीं डटे रहो, और जबकि सूर्य निकलते ही उन लोगों ने मतलब सर्चिंग करना शुरू कर दिया हम लोगों को। क्योंकि कौन से एरिया में रहे होंगे आप? हम लोग रहे पूंछ और मेंढर एरिया जो है उस जगह रहे, कश्मीर के अंदर। तो हम लोगों को वो लोग सर्चिंग करते 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 पकड़ के भी लगे, कुछ एक को मतलब पकड़ते वक्त भी मार दिया उन लोगों ने। और हम लोगों को शुरू में कोटली ले गए, कोटली के बाद फिर रावलपिंडी रखा। अच्छा। और रावलपिंडी के बाद फिर हमको लायलपुर, जो पहले कहते थे आजकल उसको फैसलाबाद कहते हैं, उसकी जो जेल जिसमें भुट्टो वगैरह भी रहे हैं, मुजीबुर रहमान भी रहा है, उस जेल में हम लोगों को रखा गया। तो जेल में उनके जो हमारे ऊपर जो पाकिस्तानी जो हुक्मरान जो थे, उनके सगे संबंधी या उनके रिश्तेदार कुछ भी हमारे से मिलने के लिए आते थे, तो हमारे साथ सिख कम्युनिटी के भी आदमी थे, यानी 650 आदमी हम लोग उस POWs कैंप के अंदर थे। तो वो पाकिस्तानियों ने तो देखा ही नहीं है कि भाई ये मौलवी हैं या सिख हैं। तो बच्चे आते हैं, अमी है तो कितने मौलवी आ गए, मौलवी क्या हो, तो सिखों के तो बाल होते ही हैं, दाढ़ी भी होती है। तो वो नहीं बेटा, ये तो है वो मौलवी नहीं है, सरदार जी हैं। तो फिर कुछ है कुछ में ऐसे भी आते थे मतलब उग्रवाद ट्राइब के, कि तुसी साढ़े को लड़े क्यों, तुसी मुसलमान हो, मुसलमान होकर के साड़ी कोल क्यों लड़ते हो, पाकिस्तान क्यों लड़। हमने कहा जिस कुरान को तुम पढ़ते हो उस कुरान को हम भी पढ़ते हैं, और उसी की कसम खा करके हम लोग जो है और सेना में भर्ती होते हैं, और हम लोग देश से गद्दारी थोड़ी कर सकते हैं। हम तो देश जहाँ बोलेगा वहाँ जाएंगे, हमने ये तो नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे, हमारी सीमाएं जहाँ जहाँ लगेंगी वहाँ हम जाएंगे और लड़ाई करेंगे। जबरदस्त बात की। तो कुछ तो बोलते बेचारे पेट के लिए करते हैं, पैंट पाड़े हमें ये पंजाबी में कुछ गालियां वाले देख करके हम लोग चले जाते। उस वक्त हमें बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि हम नियत होते थे। तो हम लोगों ने कहा उस कर्नल को जो हमारे ऊपर जो इंचार्ज था पाकिस्तानी का, कि इस तरह के आदमी हमारे सामने नहीं आने चाहिए, अगर आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर बोला नहीं, ऐसे आदमी को मैं नहीं आपसे देखने के लिए नहीं भेजूंगा। फिर इस तरह से होता रहा, हम लोग करीब 12 महीने के करीब रहे। लास्ट में भुट्टो आया, जुल्फिकार अली भुट्टो आया हमारे जंगी कैदियों के मतलब मिलने के लिए या छोड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए। तो उसने अपना लेक्चर दिया कि आओ आज से तुम आज़ाद हो इंशाल्लाह। तो अब आज से आज़ाद हो का क्या मतलब था? बोला आपके हुक्मरान जो थे वो अच्छे थे, आपके इंदिरा गांधी मोहतरमा और उसके नेहरू खानदान जो था वो अच्छे थे, और हमारे हुक्मरानों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि लाखों आदमी आपके हिंदुस्तान की जेलों में कैद हैं, और आप लोग उनके लिए दुआ करो, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, और हम आपको इंशाल्लाह अगले जुमे से छोड़ते हैं। अच्छा।
हमने कहा अब विश्वास तो किसको होता था, क्योंकि 12 महीने से जो आदमी वहाँ रखा हुआ है कि इनका कोई विश्वास नहीं। चलो अगले फिर उनकी खबरों में भी ये बात आ गई, तब हमें थोड़ा विश्वास हुआ कि ये लोग छोड़ेंगे। हमें बाघा बॉर्डर से, फिर पंजाब से होते बाघा बॉर्डर से हमको छोड़ दिया गया। छोड़ते वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री ने हमारा स्वागत किया, और उसके बाद सीधी ट्रेन से हम लोग जब आ रहे थे, रास्ते में अपने हिंदुस्तानियों ने हम पे हमला कर दिया। वो सोचे कि ये पाकिस्तान के, क्योंकि जैसे ही हम लोगों की जो घोषणा की उसी वक्त पाकिस्तान इंडिया ने भी घोषणा कर दी कि मैंने जो पकड़े हुए इस सेक्टर के अंदर उनको मैं भी छोड़ रहा हूँ। तो वो देखे ये वो पाकिस्तानी है, इंडिया वालों ने हम पे हमला कर दिया। तो फिर दौड़ करके ये अपने इंडिया के, हम लोग दिल्ली आए। उस वक्त रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे, और खूब मतलब लेक्चर वगैरह हुआ। उन्होंने कहा कि आप लोगों को बस दुख यही है कि आप हमारे हारे हुए दुश्मन के पास थे, ये हमें थोड़ा सा दुख है, बाकी आप लोग लड़े हो, अपनी हिम्मत से लड़े हो, अच्छी बात है। और उस वक्त जो भुट्टो ने जो लेक्चर दिया, उसने कहा क्या कहा कि जाओ उस इंदिरा गांधी को बोलो कि ऊपर मुँह करके नहीं थूके, उस चेकोस्लोवाकिया को क्या जा हमारे बीच में बोलता है, हम शिमला मुआहदा करेंगे, एक बार नहीं 10 बार करेंगे, और शिमला मुआहदे के तहत हम जो है अपना समझौता करके अपना जो भी कुछ होगा वो करेंगे, बीच में किसी को बोलने की क्या जरूरत है। उस वक्त ये मोहतरमा जो थे इनकी लड़की भुट्टो की, वो 12-13 साल की थी, शिमला के अंदर ही आई हुई थी, उस जो समझौता हुआ उस दौर के अंदर बेनजीर भुट्टो। तो जाओ आप इंदिरा गांधी को बोलो ऊपर मुँह करके नहीं थूके, और जाओ इंशाल्लाह आप जुमे से आज़ाद हैं। इस तरह से हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली में हम लोगों को मतलब वो इंटरव्यू चले, क्योंकि कैसे पकड़े गए, क्यों पकड़े गए, तो पकड़े जाना तो था ही, हथियार ऑमनिशन खत्म हो जाता है ना, तो फौजी के पास कुछ नहीं है, डंडा इसकी मार सकता हूँ लेकिन हथियार की लग नहीं सकती, हथियार से नहीं लग सकती, गोली से मार सकते हैं हम लोग, डंडा होगा तो मारेंगे। तो इस तरह की जो वो हमारी जो जो बातें जो थी उन लोगों ने सुनी, और फिर हम लोगों को छुट्टी भेज दिया और हम लोग हिंदुस्तान आ गए। पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे जी, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इनह्यूमन मतलब अमानवीय व्यवहार हुआ कभी आपके साथ, कोई याद आ रहा हो जैसे? छोटा सा आ रहा है, एक छोटा सा एक मेजर होता था, ये जैसे इनकी हाइट है, इतनी हाइट का एक मेजर होता था आर्मी का, सॉरी नाराज नहीं होना। तो वो आकर के बोलता है कि तुमको मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, अमानवीय व्यवहार हम के साथ किया। तो हमने कहा कि साहब ये क्यों कर रहे हो तुम लोग, हमको एक को मारेंगे, हम तो 650 हैं, तुम्हारे 650 ऑफिसर हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो मारे जाएंगे, तुम क्या बात कर रहे हो? तो बड़ी वो मतलब वो करता था, खार खाता था, इस तरह की बातें कुछ आती थी हमारे सामने, वो बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी जब हम छोड़े जा रहे थे उस वक्त में बीबीसी ने हमसे पूछा कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान का तो रवैया हमेशा ढीला रहा है, ये तो आप जानते हैं। उन्हें उसने कहा पहले हमारे कैदियों को छोड़ा जाए, हमारे जो जंगी कैदी उनको छोड़ो। तो पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कैदियों को छोड़ा, फिर हमें छोड़ा। तो बीबीसी वाले पूछ रहे भाई क्यों नहीं जा रहे, तो हमारे अंदर समझदार आदमी थे, इन बीबीसी वालों से ज़्यादा बातें नहीं करो, मीडिया वाले से, नहीं तो आप लोग उड़ जाओगे, ये कहानी थी। खबरों में भी भाई इसी के साथ तो ये जबरदस्त बातें, वो कहता है कि भाई साहब उधर भाई हमें आके मिलने आते थे, हम लोग सीधा उनको कहते थे कि भाई हम भी तो हिंदुस्तानी है, हम लोग देशद्रोही नहीं हो सकते, हम लोग अपने देश के लिए लड़ते हो, कहते होंगे तुम मुसलमान हो तो मारे, मुसलमानों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा देश मुझे सबसे पहले है, मैं उसके लिए जान भी दूंगा, मुसलमान हो तो क्या, कुरान पढ़ते हो तो मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, वो जिस देश के लिए हलफनामा बंदा उठाता है उस देश के लिए जान भी देता। ये बात उसने बहुत जबरदस्त कही, और कहता है कि एक छोटा सा मेजर आता था हमारे पास, वो हमें कहता था मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, पाकिस्तानी ना ये कहता था बच्चे हमारे तो यहाँ पे तुम्हारे पास 650 हैं, हम लोग उधर तुम्हारे सिर्फ 650 ऑफिसर कहे थे और पता नहीं कौन कौन होगा, लेकिन यार वो हम लोग हार गए थे, भारत में कोई शक नहीं है बिल्कुल। और ये जो इनको जो पकड़ा था ना पाकिस्तान ने, वो कैसे पकड़ा था, ये लड़ रहे थे, इनके पास गोलियां खत्म हो गई थी और पीछे से इनके पास मदद नहीं पहुंची। अब वो पीछे से बताऊं कि वो कैसे मदद नहीं पहुंची होगी, 100 बजे हो सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे भी जंग है, इधर उधर पहुंचा रहे होते हैं, किसी जगह पे पहुंचा पाते हैं किसी जगह पे नहीं,
तो भाई फिर जाहिर बात है जब इनके पास एक गोली नहीं होगी तो अगले तो इनको पकड़ लेंगे, पकड़ नहीं, इनके पास हथियार नहीं होगा सही कौर, फिर तो अब इनको कैदी बनाया था। लेकिन यार फिर भी यार क्या बंदे थे यार, मतलब कि भाई लड़े मस्त हैं यार वैसे, कितने मजे का भाई जेल में रह के उनको धमकाया भाई तुम्हारे तो सिर्फ, हमारे पास भुट्टो भी आया था उसने भी लेक्चर हमें लेक्चर दिया भाई, वही नजारी बात, अब हार गए तो हार गए, अब क्या 1971 को आपको पता ही है हम हार गए थे बिल्कुल, हमारी अपनी मस्तियां थी, हमारे बांग्लादेश में 9000 फौजियों ने था डाले, ये तो चलो ये तो फिर, लेकिन इन्होंने भी अंदर ऐसे ऐसे जवाब दिए कि अगले बार आगे रख दिया। तो आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो में यार, कमेंट सेक्शन में बताओ, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं हम ना, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।